भागो भागो, ये देखे बहुत बैठे, इधर बहुत बंदर आए गए। ये दे दे दे, बस थोड़े सी हैं उधर, उधर बैठे कोने में, यहाँ वो बैठे, ये देखो जा रहे हैं, वो देखो वो एक बार टीन, ये तो बहुत है यार, वो देखो उधर बैठे। हेलो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल SSRD ब्लॉगर में। तो फ्रेंड्स आज है 12 मार्च, दिन है संडे यानी कि रविवार, और आज जाना है हमको होली मिलन समारोह में। जैसे मैंने पिछले साल आपको शेयर किया था ना आपके साथ, तो अग्रवाल धर्मशाला में इस बार भी रखा गया है, तो चलिए चलते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं सारा कुछ, जैसा जो भी होगा दिखाएंगे आपको। और ऐसा लग रहा ना ब्लॉग जो है बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रहे हैं, तो चलिए बने रहिए वीडियो के साथ और पहुँच के दिखाते हैं आपको, ठीक है। अग्रवाल धर्मशाला तीन लोग, हाँ बैठा के जल्दी से, ये देखिए हमको मिल चुका है ऑटो, चल रहे हैं, चल के पहुँच के दिखाते हैं आपको। हाँ चलेंगे, पहुँच गए पहुँच गए, ये आ गया अग्रवाल धर्मशाला। चल चलिए चलते हैं अंदर, दिखाते हैं फिर आपको। ये लिखा है शुभ होली मिलन समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन, अखिल भारतीय हरिद्वारी वैश्य समाज हरदोई। चलिए चलते हैं अंदर, ये रहे भैया हमारे अन्नु। अरे एक एक मैटी, नमस्ते भैया नमस्ते। ये देखिए पिछली बार ना अंदर सारा रखा गया था, अब इस बार जो है सारी कुर्सियां बैठने का इंतजाम है बाहर रखा गया, लिखा है ऊपर बड़ा बड़ा अग्रवाल धर्मशाला। ये है साइड में मंदिर बना हुआ है। नमस्ते नमस्ते, बैठो बैठ। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ना इस तरीके से स्टेज बनाया गया है, और आप देखिए मार्गदर्शन की अगर बात करी जाए तो मार्गदर्शन हम लोगों को पूर्ण प्रया डॉक्टर गोविंद सरोज गुप्ता जी से मिलता है, और उन्हीं के आदेश अनुसार हम लोग कार्यक्रम को। लोग ताली बजाने में कंजूसी करते हैं, ताली बजाने में कंजूसी ना करिए, ये आपका अपना प्रोग्राम है, अपने समाज का प्रोग्राम है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमारे समाज के लोग अपने कार्यक्रम नहीं समझते, कुर्सियां खाली पड़ी हुई है, लोग घर से निकलने में तकल्लुफ करते हैं। और ये देखिए यहाँ पे आए हैं ये गेस्ट बनके, यानी कि अतिथि बनकर नरेश अग्रवाल के छोटे भाई मुकेश अग्रवाल, जो कि पूर्व मंत्री थे, उन्हीं के छोटे भाई हैं, ये भी अध्यक्ष रह चुके हैं और अभी भाजपा सरकार के अंडर में काम कर रहे हैं। इनका स्वागत वगैरह किया गया वही फूल माला से, और बस थोड़ा बहुत बाद में ये थोड़ा सा अपना ये भाषण देंगे, दीप दान करेंगे यानी कि दीप प्रज्वलित करेंगे, बस ऐसे ही कुछ इनके आने के बाद रहा यहाँ का। तो यहाँ पे मुकेश अग्रवाल के आने के बाद दीप जलवाया गया, और उसके बाद गणेश वंदना हुई, उसके बाद ये बच्चियां गा रही हैं स्वागत गीत। और ये है अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल, जो कि कुछ बता रहे थे समझा रहे थे, क्योंकि मेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा, अब क्या कहेंगे इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। और सच बताऊं तो पब्लिक का रिएक्शन देख के मुझे नहीं लग रहा कोई उनके जो है सब कुछ तो सुन ही रहा होगा, आप लोगों को क्या लगता है? तो उसमें मैंने सहयोग करने में कभी भी कसर नहीं रखी। तो यहाँ पे मुकेश अग्रवाल जी आए हुए थे, उन्होंने अपना थोड़ा बहुत भाषण दिया प्रवचन, और पहले उनका स्वागत हुआ था, अब ये जा रहे हैं वापस, बस मुश्किल से 15-20 मिनट रुके हैं। ये देखिए मुकेश अग्रवाल जी उनके कहे हुए शब्दों पर हम लोग बिल्कुल विचार करें, उनका कहना कार्यक्रम अभी चालू रहेंगे, बच्चों के प्रोग्राम वगैरह डांस वगैरह के प्रोग्राम होंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। ये देखिए बस बंदर भी उछल कूद मचा रहे हैं यहाँ पे। होली मिलन समारोह की
सिलसिला चला कपूर भैया दुर्गा जी आगे अपनी बनाएंगे और समाज के हित में हमेशा कार्य करेंगे। इसलिए मैं श्री जी से कहूंगा दो शब्द समाज के लिए एक बार फिर से बोल रहे हैं। मनोनीत किया जा रहा है, कृपया मंच पर आए और उनका समीर गुप्ता जी और मनोज कुमार गुप्ता जी मान्यता का स्वागत करेंगे। श्री राजेश कुमार गुप्ता जी सब खत्म ही गया बच्चन वाला इंतजाम खत्म ही होगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे नाश्ता मतलब चल रहा था, हाँ खत्म हो गया नाश्ता। मतलब देखो कुछ बचा हो फ्रेंड लोग प्लेट में से ले खाओ, प्लेट में शुरू हो जाओ। अरे लो ना खाओ, हाँ खाओ। इधर देखो इधर पलक इधर देखो। इस पेंटिंग में जो भी खर्च आए वो कमेटी से लें और इस पेंटिंग को अपने जो कार्यालय है उसमें इसको लगाएं, मरवा के जरूर लगाएं। अनूप गुप्ता जी को हम सुपुर्द करते हैं पेंटिंग। मनीष कुमार गुप्ता आयुष गुप्ता प्रखर गुप्त इसके बाद ये देखो हमारे तो अभी यहाँ पे बहुत टाइम लगेगा, ऐसे बच्चों के प्रोग्राम वगैरह हो गए और हम लोग यहाँ पे जा यहाँ से जा रहे हैं। ऐसे बच्चे जो हमें खुलते हैं तो लोगों को जाना क्योंकि 8 बजने वाले हैं। ऑटो निकल गए हैं और ये सामने है फ्रेश मार्ट, ऑटो मिल जाए बस। प्रगति नगर तो ऑटो भी मिल चुका है चलने वापस, 8 बज गए हैं, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। क्या हुआ, क्या हुआ? 8 बजे सन्नाटा ये गो, 8 बजे सन्नाटा ये गो। ये चली गई रेलवे स्टेशन रोड और मार्केट, रेलवे स्टेशन की मार्केट लगती है। नहीं दिख रहा है बस रास्ता दिख रही चलती हुई। ये देखो ओवरलोड, एक इतना भरे देखो इधर इधर उधर, हाँ बताओ अगर लौट जाए तो बहुत चोट खाया। अरे बजा इधर कान पर डरो, जरा जरा गिरम जाम लग जाते। आगे बस अपनी गली में अंशु चाचा की दुकान नहीं पड़ेगी, इधर अंशु चाचा की दुकान आगे पड़ेगी, यहाँ थोड़ी ना पड़ेगी, यहाँ समोसा वाली दुकान पड़ेगी। सब्जी लगी रहती है 9 बजे तक। हाँ कहाँ आगे जा रहे हो आप, अपनी गली में आ गए ना, अब आगे काऊ होगी। रुक जरा टॉर्च जलाएं, बाय करो पागल लड़की, बाय बाय कर, कहाँ बाय करो, बाय करो सही से, बाय बाय बाय। लाइट का बंद कर रखे रहा हूं। ये देखिए 8:20 हो गए, यानी कि हमको वहां से आने में 20 मिनट लग गए। तो बच चुके हैं 8:20 और हम घर आ चुके हैं और चलिए करते हैं व्लॉग का एंड करते हैं। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम आपको न्यू न्यू वीडियो ऐसे ही पहुंचाते रहें, दिखाते रहें, बताते रहें।
तो चलिए इस वाले ब्लॉग का करते हैं एंड, और हम मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।